सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। एक सवाल, किसका प्यार सबसे ज्यादा मजबूत या गहरा होता है? काफी लोग कहेंगे एक माँ बाप का अपने बच्चों के लिए, या फिर एक बॉयफ्रेंड का उसकी गर्लफ्रेंड के लिए, वाइस वर्सा, या फिर किसी इंसान का उसके पैसों के लिए, या फिर किसी इंसान का उसके ताकत के लिए, या किसी इंसान का उसके पहचान के लिए। क्या होगा अगर इन सबसे हटकर मैं आपको ये कहूँ कि एक्चुअल में वो है एक बहन का अपने भाई के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि मैं रिव्यू दे रहा हूँ या फिलोसफी झाड़ रहा हूँ। जी हाँ, मैं रिव्यू ही दे रहा हूँ क्योंकि यही इस टीवी सीरीज की कहानी है। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं FeatFlix और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज ऑल्टर्ड कार्बन सीजन 1 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टीवी सीरीज में लीड रोल में काम किया है जोएल किनमन ने, जिनको हमने सुसाइड स्क्वाड में भी देखा था। इसमें जेम्स प्योरफॉय, मार्ता हिगारडा एंड डिचेन लचमन ने भी काम किया है। स्टोरी सेट है फ्यूचर में, जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि आप एक तरह से अमर भी हो सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, आप अमर भी हो सकते हैं और आपको इसके लिए इन लोगों की तरह कोई भी तप नहीं करना होगा। सॉरी बॉस, टेक्नोलॉजी अब एडवांस्ड हो गई है, सो वी डोंट नीड दैट। ओके, एनीवेज, अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो कहानी यह है कि एक औरत को यह ख्याल आता है कि हम अर्थ के बाहर जाकर वास्ट स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मगर इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है हमारी उम्र। यानी कि स्पेस बहुत बड़ा है, हम उसे धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मगर हमारी उम्र नहीं बढ़ रही है, हमारी उम्र की एक लिमिट है, उसके बाद में हम एक दिन मर जाते हैं। तो स्पेस है, स्पेस कभी खत्म नहीं होगा, तो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगियां लगा देंगे, मगर हमारी अपनी उम्र नहीं बढ़ेगी। तो क्या होगा अगर हम अपनी उम्र को अनलिमिटेड कर दें ताकि हम अनलिमिटेड स्पेस को भी एक्सप्लोर कर सके। तो ये औरत एक टेक्नोलॉजी निकालती है जहां पर आपके गर्दन के पीछे आपकी कॉन्शियसनेस को, यानी कि आपकी आत्मा को या फिर आपकी सोच को डेली डाउनलोड करके आप बैकअप कर सकते हो। तो जिस दिन आपका शरीर यानी कि स्लीव, जैसा कि इस टीवी शो में कहा गया है, वो मर जाता है या बूढ़ा हो जाता है, आप उस कॉन्शियसनेस को अपने करंट स्लीव यानी कि करंट बॉडी से निकालकर आप किसी और के जवान शरीर में डाल सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता वो 1 साल का बच्चा हो या 10 साल की लड़की या औरत या फिर बुड्ढा ही क्यों ना हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को किसी भी स्लीव या बॉडी में डाल सकते हैं। मगर इसका गलत इस्तेमाल होने लगता है और स्पेस को एक्सप्लोर करने की बजाय लोग ये सोचते हैं कि अब तो हम अमर हैं, हमको स्पेस एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है, हमको अपनी जिंदगी ऐशो आराम में बितानी चाहिए। मगर इतना ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही मिलती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी नहीं, एक्चुअली स्लीव इम्पोर्टेंट है, यानी कि बॉडी। क्योंकि अगर आप अमीर हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को तो डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन उस डाउनलोडेड कॉन्शियसनेस को आपको एक नए इंसानी ह्यूमन बीइंग यानी कि बॉडी में डालना है जो कि जवान हो और खूबसूरत हो। और कोई भी जवान या खूबसूरत बॉडी, यानी कि चाहे वो लड़के की हो या लड़की की हो, वो अपनी बॉडी आपको क्यों देगा Until and unless उसकी कोई मजबूरी हो। तो ये अमीर लोग उस मजबूरी का फायदा उठाकर उनका स्लीव ले लेते हैं। सो इसी बहाने उस गरीब को पैसे मिल जाते हैं और इन अमीरों को एक नया जवान बॉडी मिल जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बहुत ही अमीर आदमी की हत्या हो जाती है उसके बैकअप के पहले। अब आप पूछेंगे ये बैकअप क्या है? जैसे हम फाइल फोल्डर्स बैकअप करते हैं, उसी तरीके से आपका स्लीव भी 24 आवर्स में एक बार बैकअप होता है, मगर इस आदमी की बैकअप होने से ठीक 10 मिनट पहले ही हत्या हो जाती है। तो लास्ट 24 आवर्स का बैकअप होता ही नहीं और इसे याद ही नहीं रहता कि लास्ट 24 आवर्स में एक्चुअली हुआ क्या था और असल में इसे किसने मारा और क्यों मारा। इसी का पता लगाने के लिए ये अमीर आदमी हमारे हीरो को रिक्रूट करता है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलरेडी जिस हीरो को रिक्रूट किया गया है इस आदमी के हत्यारे का पता लगाने के लिए, उसकी बॉडी दूसरी है, कॉन्शियसनेस दूसरी है, मतलब एक दूसरी बॉडी में किसी और की कॉन्शियसनेस डाल के इस हीरो को वापस जगाया गया है। और ये अमीर आदमी इससे कहता है कि अगर आपने मेरे हत्यारे का पता लगाया तो ये कॉन्शियसनेस और ये स्लीव मैं आपको हमेशा के लिए फ्री में दे दूंगा, और इतना ही नहीं इससे भी बहुत ज्यादा पैसे मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से हमारे हीरो निकल पड़ते हैं कातिल को ढूंढने। जिस तरीके से हॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज साइफाई जनर को लेकर बना रहा है, रियली दे आर जस्ट टेकिंग बियॉन्ड द काइंड ऑफ VFX, ग्राफिक और AI यूज किया गया है इस टीवी सीरीज में, इट्स अमेजिंग। स्टोरी थोड़ी सी वीक है, एंडिंग में उतना ट्विस्ट नहीं है, बट जिस स्टोरी की वजह से पूरी शो चलती है वो कुछ नया है। ये स्टोरी पूरी नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी मूवीज या टीवी सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस टीवी सीरीज का जो स्टोरी है
वो शायद से हमारे रियल फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। इस टीवी सीरीज को आप अपने परिवार के साथ में नहीं देख सकते क्योंकि काफी सेक्सुअल सीन्स है, न्यूड सीन्स है और ऐसे सीन्स है कि ओके मूवी वन। इस शो में 70% ड्रामा है और 30% एक्शन है, मगर जो भी एक्शन है वो देखने लायक ही है। इस टीवी सीरीज में एक सीन है जहां पर हमारी लीड हीरोइन को एलिवेटर में एक आदमी जान से मारने की कोशिश करता है, और जिस चीज से वो हीरोइन को मारने की कोशिश करता है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं लिटरली 100 की कोई मूवी देख रहा हूँ और 100 मूवी की ही कोई किलिंग टूल जो है वो देख रहा हूँ जिससे इस हीरोइन को मारने की कोशिश की जा रही थी। और मुझे इतना शॉकिंग और डरावना लगा वो सीन कि मैंने एक्चुअली 3 या 4 बार उस सीन को देखा एंड आई वॉज लाइक यार किस चीज से मार रहा है वो, एंड हाउ कैन ही किल पीपल इन सच अ मैनर। इस पूरी टीवी सीरीज का स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं, फ्यूचर जो हिसाब से दिखाया गया है, आई मीन रियली शायद से रियल लाइफ में फ्यूचर ऐसा हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस टीवी सीरीज का बजट कितना था, बट आई कैन से कि जो भी पूरी टीम थी इस टीवी सीरीज की, मेरे ख्याल से उन लोगों ने पूरी जान लगा दी है कि इस टीवी सीरीज को एक फुल साइफाई अट्रैक्टिव यू नो टीवी सीरीज बन सके। अब कहीं ना कहीं इस टीवी सीरीज में बोर भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो एंटरटेन, सो मूवी एक अप एंड डाउन फ्लो में चलती रहती है, एंड होपफुली यू एंड अप इन द पार्ट वेर इन यू डोंट एक्चुअली गेट बोर्ड व्हाइल वॉचिंग द एंटायर टीवी सीरीज। सो मेरी तरफ से एक गुड वन टाइम वॉच है ये टीवी सीरीज, आप जरूर देख सकते हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टीवी सीरीज को रेट करूंगा 6.5 out of 10। सो ये था हमारा रिव्यू, आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई मूवी या टीवी शो रिव्यू करें वो भी कमेंट में जरूर बताएं, एंड प्लीज अलाउ अस सम टाइम सो दैट वी कैन गो अहेड वॉच दैट मूवी और टीवी शो, सो दैट देखने के बाद में हम उसको रिव्यू कर सके, क्योंकि काफी लोग अपने मूवी और टीवी शोज का नाम हमें दे रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एट द सेम टाइम नए मूवीज और टीवी शोज भी आ रहे हैं, सो आई हैव टू डू ऑल द सेम थिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्लीज डोंट माइंड अगर मैं आपका टीवी शो या मूवी रिव्यू करने में थोड़ा देर लगाता हूं, मैं देर लगाऊंगा बट अल्टीमेटली मैं उसे जरूर रिव्यू करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे जल्द से जल्द रिव्यू करूं। सो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।